कॉइन बोलिए या फिर क्रिप्टो करेंसी बोलिए, मार्केट में कॉइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कॉइन में बात करेंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू कुछ टाइम पे काफी कम थी, मतलब 10,000 रुपए की थी जब उसकी शुरुआत हुई थी, और आज बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 42 लाख हो गई है। मतलब कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे कुछ कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन की वैल्यू तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर ऐसे आज मैं दो कॉइन्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसकी प्राइसिंग अभी काफी लो पे चल रही है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। पर इसकी बात करने वाले हम शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, पर आपको इसमें एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे दो कॉइन के बारे में बात करने वाले, तो सबसे पहले कॉइन की बात करेंगे तो ये है बिटकॉइन। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिटकॉइन के बारे में मैं आपको थोड़ा एनालिसिस बता देंगे आपको इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम बात करेंगे 15 मिनट के रेशो की, मतलब बात करेंगे 15 रेशो की मिनट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लो प्राइस जो चल रहा है, अभी का जो प्राइस है वो 4 रुपए इसका प्राइस है अभी का जो चल रहा है, 4.17, और जो हाईएस्ट प्राइस है इसका 4.36, मतलब आप इसमें देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग ज्यादा है, मतलब हाई पे ही चल रहे हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो ज्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा, तो उसके बाद में आपके प्राइसिंग ज्यादा हाई हो जाएंगे। बात करेंगे 1 आवर की, 1 घंटे की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइसिंग जो है 4 के ऊपर ही चल रहे हैं, मतलब इसके प्राइसिंग हाई पे चल रहे हैं। पर आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, जब इसके प्राइसिंग थोड़े कम ज्यादा हो रहे हैं तब आप इसको खरीद सकते हैं, अभी तो प्राइसिंग ज्यादा ही चल रहे हैं, पर आपको इसमें हमेशा एनालिसिस करना पड़ेगा। बात करेंगे जैसे 1 डे की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं लो प्राइस 4.007 है, तो वही हाई प्राइस में 4.36 है, मतलब इसमें आपको हाई में ही प्राइसिंग दिख रहे हैं, मतलब 4.4 इसके परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम सजेस्ट करेंगे आगे आपको कि आप ये शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें, और इसको खरीदने के बाद में जैसे ही आपने लो प्राइस में खरीदा है उसको आप बेच सकते हैं। आपको ये खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्राइसिंग कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं, हो सके ये डम भी हो। मगर बात करेंगे कॉइन की, जैसे हमने आपको बताया कि बिटकॉइन की प्राइसेस काफी टाइम पहले काफी कम थे, उसके बाद में अभी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो यही होता है कॉइन में, आपको इसमें कभी लॉस भी देखना पड़ेगा, कभी आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है उनके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। सो ये कॉइन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉइन के बारे में जानते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉइन है BTT कॉइन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो काफी डम पड़े हैं, और कुछ कॉइन्स होते हैं जिनके प्राइसिंग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने वैसे ही जैसे आपको बोला कि आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे 1 आवर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसके प्राइसिंग लो थे तो थोड़े से हल्के से हाई हो गए, मतलब इसका जो रेशियो है वो डम भी हो रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है, तो इसमें थोड़ा रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। पर आपको आपका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है सो आप खरीद सकते हैं। जैसे हम 1 डे की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्राइसिंग जो परसेंटेज में हम देखेंगे तो 6.39 इसका परसेंटेज हाई है, मतलब इसमें भी प्राइसिंग बढ़ते जा रहे हैं, पर इसके जो प्राइसिंग चल रहे हो काफी डाउन में चल रहे हैं, और काफी मतलब पॉइंट से पैसे के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। सो आपको एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है। जैसे हमने बात की बिटकॉइन की, तो इसी की तरह से ये दो कॉइन हमने बताया है, एक है बिटकॉइन और दूसरा है BTT। ये दोनों के बारे में हमने आपको बताया है, दोनों का ही आपको एनालिसिस करना है। बिट के प्राइसिंग थोड़े से ज्यादा हाई पे चल रहे हैं, और वही वेट के प्राइसिंग थोड़े डाउन में चल रहे, पर परसेंटेज का हम देखेंगे। और यहाँ पे 1 वीक की भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आज की, वो तो प्राइस है 0.11, ये काफी मतलब माइनर है, पर परसेंटेज में देखेंगे तो इसके 6.51 इसके हाई में प्राइस चल रहे हैं। ये आपको VET कॉइन में थोड़े प्राइसिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, वही BTT कॉइन में आपको प्राइसिंग हल्की सी कम देखने को मिलेगी। आपको आपका खुद का एनालिसिस करना है, और आपको देखना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें, क्योंकि कॉइन में प्राइसिंग बढ़ते जाते हैं, थोड़े डम भी होते हैं, पर मार्केट में अभी कॉइन के सप्लाई और कॉइन का बिजनेस काफी जोरों पे है, काफी लोग इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सो हमने जो आपको बातें बताने की कोशिश करी है दोनों कॉइन के बारे में, सो आई होप आप समझ लेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जुड़ से फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं सीखने के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।